de-clap, de-clap, boom, boom. Hello guys, welcome to Girls Republic on ARY Musik. This is Bex here. Hope you guys are doing well. And today we're back again live. You guys can call us. And today I've got Anza with me, beautician. And today we're going to do. Today is obviously Thursday. So what are we going to do, Anza? पहले मेरी तरफ से बैक साहब सबको बहुत ज़्यादा बिलेटेड ईद मुबारक और आज मैं मॉडल भी साथ लेके आई हूँ लाइव एंड यू नो हर दफ़ा हम कुछ ना कुछ नई थर्सडे को करते हैं एग्जैक्टली थर्सडे को कोई ना कोई न्यू टेक्निक्स पे फोकस करते हैं दैट गर्ल्स कैन डू एट होम तो आज हम क्या करने वाले आज हम देखें दो चीज़ें कर रहे हैं हमें आपको पता है कि काफ़ी लोगों की फीडबैक भी आई थी कि जो हमने कॉन्टोरिंग लास्ट टाइम सिखाई थी इट हेल्प्ड अ लॉट ऑफ गर्ल्स तो उनके लिए इन पर्टिकुलर ये कहा गया था कि वो लड़कियां जिनको डबल चिन का प्रॉब्लम हो या जिनकी ब्रॉडर जॉ लाइन हो उनके लिए हम क्या करें ठीक है तो एक हम कॉन्टोरिंग उस पर फोकस करेंगे और सेकेंड थिंग इज़ समथिंग दैट हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं जो करने के लिए वो है ओम्ब्रे लिप्स आपने सुना होगा अक्सर लड़कियों का आजकल शौक होता है कि ओम्ब्रे है तो बहुत ज़्यादा इन है टिप डाई बहुत इन है फ्रॉस्टिंग इन है लेकिन ओम्ब्रे लिप्स का वही कॉन्सेप्ट आता है बिकॉज ओम्ब्रे सपोज टू बी जो है पे ग्रेडियंट बनाते हैं शेड्स का यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोग ये कह रहे होते हैं कि डार्क लिप कलर जो है वो हर किसी को सूट नहीं करता और ये है कि हर जगह भी सूट नहीं करता जिन लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा सूट करता है डार्कर टोन्स वाइन के रेड के उनके लिए क्या कर रहे हैं कि वो दिन में भी वो चीज़ पुल ऑफ कर सकें इवनिंग्स में भी थोड़ा सटल भी कर सकें सो ओम्ब्रे आई थिंक इज़ द परफेक्ट फॉर्मूला फॉर दैट एंड इट इवन इन्हांसेस जो आपका नेचुरल पाउट होगा लड़कियों को बहुत शौक है यस इट्स वेरी गुड फॉर समर बिकॉज ऑब्वियसली समर में स्पेशली इवनिंग्स में बी यू ट्राई नॉट डू वेरी डार्क शेड्स शाम के टाइम पे तो उसके लिए एक उसको एक म्यूट भी करता है सटल करता है और एक ओवरऑल बेटर लुक आती है आपके लिप्स को इन्हांस करता है यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि लड़कियाँ ख़ासकर जब अगर लिप्स पे इतना फोकस कर रही हैं तो आप आईज़ डार्क ना करें अगर आपने स्मोकी आईज़ खुद की हुई हैं या ब्रॉन्ज में कोई डार्कर शेड्स लगाए हुए हैं अपनी आईज़ पे देन मेक श्योर कि जो आपके लिप्स हैं उसको आप या तो न्यूड रखें या आप इस तरह की लुक करें जो सटल रहे मतलब यू शुडंट बी गोइंग अराउंड और जाते हुए कि आप बहुत ज़्यादा ओवरडन लुक लगे या एंड टू ओवरडन या बहुत ज़्यादा देखिए एवरीथिंग अबाउट मेकअप इज कि लेस इज मोर हम भी जो अगर प्रोडक्ट्स आप लगाते हैं उसको आप ट्राई एंड गो फॉर यू नो अ मोर नेचुरल लुकिंग यू नो लुक जो है आपकी आएगी So if you're talking about lipstick, lip colors, obviously just standard can't join when they put on lipstick, right? It just comes on your teeth. It comes on your teeth. Why is that? हाँ बहुत सारी ऐसी tips and tricks मैं आज आपको लड़कियों को जो viewers हैं देख रहे हैं उनको बताऊंगी. लिप्स जो आपकी लिपस्टिक लग जाती है टीथ पे इट्स बिकॉज एक्सेस लिपस्टिक होती है आपने जो अप्लाई की हुई होती है ना सिंपल फॉर्मूला उसका यही है कि बिफोर गोइंग आउट जस्ट टेक अ स्ट्रॉ एंड उसको आप सिप इन करें एंड जस्ट पुल द स्ट्रॉ आउट जो आपकी एक्सेस लिपस्टिक अंदर की तरफ लगी होगी वो हट जाएगी ठीक है okay. और फिर आप ऑब्वियसली फिर आपके दांतों पे नहीं लगेगी यू नो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग और मुझे अभी आई थिंक फेसबुक पे मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे विद रिगार्ड्स टू द लिप्स तो लड़कियों का एक सवाल ये होता है कि हाउ जब हम अप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉरल के या पीच पेल टोन्स जब अप्लाई करते हैं तो हमारे जो टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा येलो लगने लगते हैं यू नो लॉट ऑफ पीपल हैव दैट प्रॉब्लम जिसकी वजह से लड़कियां क्या करती हैं कि बहुत डार्कर टोन्स लगा के दिन के टाइम भी यू नो बिकॉज ऑब्वियसली आपके स्माइल ने दांत हैं आप कॉन्शियस होते हैं यू वांट टू शो इट ऑफ तो उसके लिए ये है कि आप ट्राई करें कि वो लोग जिनका अगर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है बहुत ज़्यादा डार्क है या फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूट्रल टोन्स हैं वीटिश है दे शुडन गो फॉर टू पिंकिश टोन्स या जो पीची टोन्स हैं वो ना लगाएं तो बेहतर है या ऐसा करें कि जो उसका लिप लाइन है जो आउटलाइन है उसकी वो डार्कर रखें और सेंटर सिर्फ जिस तरह ओम्ब्रे की कोई लुक आप कर लें तो उससे भी ये है कि आपके जो टीथ हैं वो वाइटर लगेंगे एंड पीपल हु गॉट लाइक अ फेयरर कॉम्प्लेक्शन उनके लिए भी बहुत अच्छा एक ये रहेगा कि दे कैन गो फॉर डार्कर टोन्स आप प्लम में जा सकते हैं वाइन में भी जा सकते हैं यू नो ऑल दीज टोन्स ये कोशिश करिए कि जो भी पिगमेंट आप लगाएं उसकी अंडरटोन ब्लू होनी चाहिए ठीक है सो यू नो वो जो पिगमेंट्स होंगे आपके दांतों को एक और इन्हांस्ड वाइटर लुक देंगे अनदर थिंग दैट गर्ल्स ऑफन टॉक अबाउट इज़ के हम जब लिपस्टिक जाते हैं ट्राई ऑन करने कहीं मॉल में जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं एक तो ये कि हाइजीन कॉन्शियस होती हैं तो लड़कियाँ लगा के यू नो हर कोई वही टेस्टर्स यूज़ कर रहा होता है तो उसके लिए क्या किया जाए
Mix, वैसे आप क्या करती हैं when you go try on a lipstick? When I try it on, I don't really put it on my lips. Where do you put it on? Yes. But like over here. On the hands? Yeah. Actually, that is the right way to do it. Because if you are conscious कि आप होठों पे नहीं लगाएं, because everyone is using it, तो आप दो चीजें कर सकते हैं. एक तो ये कि जो आपके the back of your hand, this area is the closest to your tone of your lips and your chin. वहाँ आप लगा सकते हैं. The other thing is, don't directly apply the lipstick. आप उसको विद द टिप्स ऑफ योर फिंगर पहले आप टिश्यू से वाइप करके फिर लगाइए. ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू. फिर लड़कियां कहती हैं कि हमें कौन सा ऐसा शेड है विच वुड बी यू नो लाइक अ स्टैंडर्ड मेजर कि हम वी कैन यूज़ ऑन डे टू डे वेयर. ठीक है, तो उसके लिए द सिंपल फॉर्मूला इज़ जो आपके लिप्स का कलर है, जो शेड है, जो नेचुरल आपके लिप्स का शेड है, डोंट गो मोर देन टू शेड्स डार्कर और टू शेड्स लाइटर. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर आपका नेचुरल पिंकिश टोन है या रेडिश टोन है तो डोंट गो फॉर थिंग्स दैट आर टू डार्क और टू लाइट. इट्स गोना लुक फेक बिकॉज़ इफ यू आर गोइंग फॉर एवरीडे थिंग. या एवरीडे थिंग देन यू शुड मेक इन ट्राई एंड मेक इट लुक मोर सटल मोर न्यू. ऑलराइट, वी हैव कॉल. हैव यू गॉट कॉल? हमारे पास कॉल है जी. हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. आवाज बहुत अजीब सी आ रही है. Alright, call's been dropped. I know, कोई बात नहीं है. तो नेटवर्क के छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, हम लोगों के पास भी आते रहते हैं. हमारे पास लड़कियां ये भी पूछती रहती हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर लिपस्टिक्स लेके वो आती हैं और टूट जाती हैं लिपस्टिक्स, तो हम क्या करें? तो लाइक माय सिस्टर, व्हाई शी बॉट दिस लिपस्टिक, आई वाज जस्ट गोना नेम समथिंग, बट एनीवे शी जस्ट बॉट दिस लिपस्टिक, अ प्रॉपर नया था वो, एंड इट जस्ट लाइक टूट, इट जस्ट ब्रोक. पता है, बिकॉज़ इतनी गर्मी है आजकल और यू नो विद आवर क्लाइमेट इन पर्टिकुलर, वो मेल्ट भी हो जाती है कभी कभी. तो द इजीएस्ट ट्रिक फॉर दैट इज, गर्ल्स डू नॉट गेट वरीड इफ योर सिस्टर स्टिल हैज दैट लिपस्टिक. जरा सा अगर वो हाफ होके टूटी है और जो दूसरा एंड है बिल्कुल सॉलिड है, देन यू कैन जस्ट यूज लाइक अ मैच स्टिक, हल्का सा उसका वैक्स उसके एंड पे जो हीट आप लगाएंगे तो थोड़ा स्टिकी सा हो जाएगा. यू पुट इट बैक इन द कंटेनर और उसको बंद करके फ्रिज में आप रख दें फॉर हाफ एन आवर, इट विल बी बैक टू हाउ इट वॉज. ओके, एंड अनदर थिंग इज कि अगर बिल्कुल वो बिल्कुल क्रश्ड लुक आ गई है उसमें, या बिल्कुल जो एंड रिमेनिंग होता है लिपस्टिक का, you can just scoop it out with like say a cotton bud or you know just scoop it out, or wo aap ek lip palette mein zara si vaseline dal ke mix karke kar sakte hain, and you can use that as a daily wear. All right, so today we're talking about lipstick and contour, right? Yeah, and contouring. Which is for chubby cheeks or double chin. So yeah. Usse double chin usse related main aapko yahi kahungi ki obviously contouring bhi ek art hai, bahut zaruri hai. Aap dekhiye ki hamare jab फेस होता है विदाउट कॉन्टोरिंग आप पूरा बेस कर लें, लेकिन इट लुक्स लाइक अ ब्लैंक कैनवस, उसमें वो डेप्थ जो 3D इफेक्ट नहीं आता जो हमने लास्ट टाइम करके दिखाया था और बहुत अपेरेंट डिफरेंस था. अब आज जो हम फोकस करेंगे प्राइमरीली के जो अक्सर यंगर गर्ल्स के लिए या स्लाइटली ओल्डर उनके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि चबी चीक्स, हमने बात की थी लास्ट टाइम भी इस पर. अब चीक्स के हद तक तो हमने बता दिया, बट नाउ दिस एरिया जो होता है जॉ लाइन अगर किसी की बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है और यहाँ पे जो आप देखें ड्रूपिंग इफेक्ट आता है, जो डबल चिन जिसको कहते हैं स्किन, फॉर वेरियस रीजंस, या तो वेट लॉस की वजह से हो सकता है या इट कैन हैपन ओवर टाइम, एजिंग स्किन पे भी होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. Exactly, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है. और मेकअप इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एन इल्यूजन. Yeah, it's just about looking a bit different as well. Looking a bit different, sometimes always for the better. Exactly. लेकिन ये नहीं जरूरी कि लड़कियाँ अब क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा डार्कर कंटोरिंग कर लेती हैं जिससे इंस्टेड ऑफ वो उस चीज़ को और हाईलाइट कर देती है, बस बहुत ही हाईलाइट हो जाता है. इम्परफेक्शन ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती है, अगर डबल चिन भी है तो लोगों की पहली नजर वहाँ जाएगी वो डबल चिन. एग्जैक्टली, जो चीज ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही है उसी पे आपकी नजर जाती है. तो बेसिकली यही है कि वो टेक्निक्स मैं आपको आज सिखाऊंगी जिससे आपकी वो एक सटल तरीके से और जो ज्यादा नेचुरल लगे, और फिर भी एक ट्रिक जो आप कहते हैं ना, ये इल्यूजन. मेकअप आर्टिस्ट को ऑफन पीपल कम अप टू अस एंड कहते हैं कि आप लोग तो ऐसे जैसे मैजिशियंस हो. एग्जैक्टली, बिकॉज़ वी आर गोना कंटिन्यू दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. डोंट वरी, बैक यू वाचिंग गर्ल्स रिपब्लिक. Boom, de clap, boom, boom, clap.
Hello guys, welcome back from the break. You guys are watching Girls Probably on ARY Music. This is Weejit Bex. I hope you guys are doing well. And today you guys can call us live. I've got Anza with me, beautician. And today we guys are going to be showing you contouring for double chin, I think. And if you call name mil rahi, to leave us your message on my Facebook page, which is Bex Khan, BECKS, space KHAN. I need to take a break. But I'm sorry guys, but yeah, Anza. Bex, we start? Yeah, we shall start. Bex, आज जो मैं हमारी मॉडल है मानूर वो जो है उनका मैं मेकअप जरा करके लाई हूँ. ये वही मेकअप है जो हम ईद के दिनों में या फॉर एग्जाम्पल इवनिंग्स में भी बाहर जाते हैं. ओकेजनल थोड़ा सा साथ में भी, यू कैन कैरी इट ऑफ विद पार्टीज एज वेल. तो इसके साथ ज़रूरी ये कि अभी देखें फेस को मैंने सिर्फ बेस पे, आई हैवन डन एनी कॉन्टोरिंग. जस्ट हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो लड़कियां जो घर पे बैठी हुई हैं, जो हमारे पास आ नहीं सकती, उनके लिए इजी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं. हमें फेसबुक पे जैसे मैंने कहा बहुत क्वेश्चंस आए थे. तो जो मॉडल हमारी हैं मानूर, उनके आप अगर यहाँ ये फेस साइड पर टर्न करेंगी तो देखेंगे कि ये एरिया ब्रॉडर है एंड सो इज़ द जॉ लाइन. लेकिन जो चिन है इनकी नैरो है. अच्छा, यूजुअली पीपल हैव दिस इशू कि जॉ लाइन बहुत ब्रॉड होती है, चिन बहुत पॉइंटी होती है. ठीक है, तो उसको किस तरह कॉन्टोर करना है. तो अब यही है कि कॉन्टोरिंग का कट ब्रश जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था, लड़कियों को याद होगा, वो आपने लेना है जस्ट शेड और टू डार्कर देन योर ओन स्किन टोन. और पहले आप ये लाइन्स ड्रॉ करेंगे कॉन्टोरिंग की. सो लाइक हैविंग अ पॉइंटी चिन इज इट नॉट गुड? It is if it balances the rest of your face, ठीक है. और अगर नहीं भी है तो देखें, इट्स देयर नन ऑफ द फीचर्स आर बैड इन माई ओपिनियन. हर किसी का अपना चार्म है, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हमने इनकी पहले चीक बोन्स को इन्हेंस किया है. सेकेंड थिंग दैट वी आर डूइंग इज कि इनकी जो जॉ लाइन है यहाँ से ब्रॉडर है. ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे कि आपके जो डार्कर टोन है यू विल यूज़ इट यहाँ से, स्टार्ट ही आप यहाँ से करेंगे. ठीक है, बहुत सटल लेक आपने कट ब्रश से लेके लगाना है. ठीक है, और ज़्यादा चिन पे नहीं जाना, स्पेशली बिकॉज अगर आपकी चिन पॉइंटेड है, बिकॉज वो और ज़्यादा पॉइंटी आपका फेस लगने लगेगा. okay. आपका योर गोल शुड बी कि एक बैलेंस्ड लुक आए, ना ज़्यादा भरा हुआ ना ज़्यादा स्लिम. राइट, वी फॉर कॉल गाइस. हेलो हेलो, सलाम अलैकुम, कौन बात कर रहा है? आयशा, कैसी हो? मैं ठीक, आप बताएं? मैं भी ठीक हूँ. क्या करती हो? स्कूल जाती हो? मैं कुछ भी नहीं, कॉलेज. अच्छा, कुछ भी नहीं फिर बोल के कॉलेज. अच्छा, सही. आयशा, मेकअप में इंटरेस्ट है? सॉरी, मेकअप में इंटरेस्ट है? जी बहुत. मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि मेरा व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो लिपस्टिक का शेड. लिपस्टिक का शेड, जवाब देती हूँ. पहले मैं सिर्फ व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ कि सिर्फ इस लुक से आप देखिए कि जो हमने कॉन्टोरिंग की है, अगर मेरी मॉडल यहाँ साइड पे अपना फेस करें तो यू विल सी कि एक ये वाली साइड का आप देखें और अगर जो लेफ्ट वाली साइड है उस पर आप देखिए कि यही जॉ लाइन जो है वहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है. And we've done the same technique on the nose as well. ठीक है, और डबल चिन के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो आपने सर्क्यूलर मोशंस पे देना है. ठीक है, सर्क्यूलर मोशंस के लिए ये क्रिएट करना है एक इफेक्ट कि जहाँ पे उनकी डबल चिन है वहाँ से स्टार्ट करें. मैं दूसरी साइड जब तक करती रहती हूँ व्यूअर्स, और मैं आयशा हमारी कॉलर थी उनका मैं जवाब देती हूँ. बेसिकली उन्होंने ये पूछा है कि अगर उनका व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है तो व्हाट कलर शुड शी यूज़. तो जो व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन वाली लड़कियां हैं बिल्कुल परेशान ना हो, इट्स अ वेरी नाइस स्किन टोन टू हैव. लेकिन आप कोशिश करिए कि पिंक्स के शेड पे ना जाएं. यू शुड गो मोर टूवर्ड्स जो पेल शेड्स हों, ब्रॉन्ज, गोल्ड, अगर आप लाइट करना चाहते हैं. उसके अलावा यू कैन गो फॉर पीची टोन्स. ठीक है, पीची टोन्स लगाएंगे या यू कैन इवन गो टूवर्ड्स डार्कर अगर टोन्स करेंगे तो उससे आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्राइटर लगेगा. अगर आपको ये एक इल्यूजन क्रिएट करनी है ब्राइट कॉम्प्लेक्शन की. I think that, I hope that answers your question, Aisha. You know, a few lipsticks that you put on, right? Thoda usse aapka complexion bahut dark lagne lag jata hai. Bilkul, ye to hai. Because wohi hai jo aapke skin tone ko agar jo cheez suit nahi kar rahi aur aap wo use kar rahe hain. Okay, ab ye dekhiye ki inko ye is tarah ke hum strokes lagate hain jahan se ek illusion aapke
क्रिएटो, जो इनकी ब्रॉडर जॉ लाइन है वो यहाँ से देखिए काफ़ी हद तक कवर हो जाए। मैं यहाँ तक नहीं लेके आ रही बिकॉज ऑलरेडी जो चिन का मैंने लड़कियों को इशू एक्सप्लेन किया वो है। अच्छा, कॉन्टोरिंग आपने कभी भी डार्कर हार्शर लाइंस नहीं छोड़नी है, इसके लिए बैलेंस आउट करने के लिए आई जस्ट टेल यू कि उसको किस तरह से हम बैलेंस आउट करेंगे। अच्छा, नोज़ का फिर से याद रख लीजिए कि यू शुड गो ऑल द वे अप टू वेयर योर आईब्राउ स्टार्ट। ओके, ठीक है, अब इसको सटल किस तरह किया जाए। You're going to use your fingers? Yes. Again, sorry? I thought you were going to use your fingers to just like smudge it a bit. Nahi, hum wo kar sakte hain. But then otherwise, aap kya karte hain ki aap, you can use two ways, not just your fingers. Because dekhein, agar specially with oily skin, jitna zyada fingers lagayenge, breakout hogi. Powder puff leke, theek hai? Lightly aap usko dab kar sakte hain. ठीक है, तो ज़रा सी जो आपको और सटल एक इफेक्ट आ जाएगा कहीं पे, बट इट हैज़ टू बी वेरी जेंटल, ऐसा ना हो कि जो आपने कंटूरिंग की हो वो मिटती चली जाए। ठीक है, और इसके लिए अब फिनिशिंग उसका टच के लिए व्हाट वी विल डू इज, हमारे पास यहाँ लाइटर शेड्स भी यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, जो जो आपने लाइन ड्रॉ की थी उसको एक स्मूद आउट करने के लिए, ये देखिए सर्कुलर स्ट्रोक्स में। अच्छा, बहुत ज़्यादा इनके फेस को इलोंगेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ से भी नैरो एक लुक है। ठीक है, सो जो स्ट्रोक्स मैं इनके लिए यूज़ करूँगी दे विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और आपने बड़ा जेंटल हाथ रखना है वरना जो आपका जो नीचे बेस है वो मिटता चला जाएगा। दैट्स गोना कम ऑफ, सो बी केयरफुल विद दैट गाइस। यस, बी केयरफुल विद दैट। और वही चीज़ कि अगर लड़कियां बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने लास्ट टाइम शिमर का एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि आप लगा सकते हैं, अगर आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस है जिसके ऊपर कोई इम्परफेक्शन नहीं है, दाने नहीं हैं, तो आप ज़रूर यूज़ करिए शिमर। लेकिन जैसे कि अगर आपकी स्किन पे ज़रा ब्रेकआउट्स हैं तो अगर आप शिमर यूज़ करेंगे वो और ज़्यादा हाईलाइट होंगे। शिमर इज़ गोना मेक इट लुक प्रोमिनेंट। या, मेक इट लुक मोर प्रोमिनेंट। लेकिन बैक सीख गए हैं आप। या, आई एम गेटिंग इट। यू आर गेटिंग बेटर एट इट। ठीक है, तो हमने इस तरह इसकी ब्लेंडिंग रखनी है तो गर्ल्स, अब आपने देखा होगा एकदम से एक 3D इफेक्ट इनके फेस पे क्रिएट हुआ है। जहाँ जहाँ हमने कॉन्टोरिंग की थी, जो उसकी हर्श लाइंस ड्रॉ की थी, अब वो लाइंस भी हमने स्मूथ आउट कर दिए। इस वाले एरिया पे अगर आप प्लीज़ अपनी नेक रेस करेंगे तो यू हैव टू गो विद अ मोर सर्क्यूलर मोशन, खासकर जो डबल चिन के लिए। ठीक है, स्ट्रेट देखिए, देखिए व्यूअर्स, इनको काफ़ी हद तक आप एक स्लिमर लुक भी आ गई है फेस पे। सो दैट इज़ वन वे टू डील विद इट। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑफ विद आर द ओम्ब्रे लिप्स। राइट, ठीक है, तो ओम्ब्रे लिप्स के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक जो मैं आप लोगों को बताऊँ, लड़कियां अक्सर डरती हैं कि हम लिप लाइनर्स नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने आज आप किसी भी अच्छे ब्रांड का लिप लाइनर ज़रा सा डार्कर टोन में यूज़ करें। ठीक है, तो दैट विल बी योर आउटलाइन, जिस तरह हम ड्राइंग में अक्सर आउटलाइन बनाते हैं। वाई कलरिंग, या वाई कलरिंग, एंड यू टेक अ थिन जो लिप लाइनर ब्रश होता है, कोई सा भी ब्रांड आप ले सकती हैं, विच एवर सूट्स योर पॉकेट। ठीक है, एंड यू विल स्टार्ट ऑफ विथ, आई थिंक अगर मैं अपनी मॉडल को इस तरफ चेंज कर दूँ तो इट विल बी मच बेटर फॉर द व्यूअर्स टू लुक एट एज वेल। ठीक है, अच्छा, ज़रा सा आपने देखा होगा कि एक वाइटिश इफेक्ट इनके लिप्स पे आ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी देखिए हमने इनका बेस बनाया था, बट लड़कियों को अक्सर ये कंप्लेन होती है कि हम हमारी लिपस्टिक ब्लीड आउट कर जाती हैं या रहती नहीं है। तो जो भी आप फाउंडेशन या कंसीलर, उसके बड़ी एक थिन सी लेयर, यू कैन जस्ट पुट इट अराउंड योर लिप लाइन एरिया, तो इट विल सील द इफेक्ट। जो आपका जो भी शेप है, एक तो शेप प्रॉपर बनेगा। सो आई थिंक अगर लिपस्टिक आप उतर या आपकी लिपस्टिक, तो अगर उसको इफ़ यू गाइस वांट टू लाइक ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो कंसीलर लगाना ज़रूरी है before you put on your lipstick. But I think, shall we just continue this after the break? Yeah, sure. All right, guys, we're going to go for a short break. Don't go anywhere. Keep watching Girls Republic. Boom,
example. Oh my god. Hey guys, welcome back from the break. You know, this is what happens when you get a break. Just na school mein bhi break milti hai, college mein milti hai, to aap foreign ki jaate ho apna time thoda spend karne ke liye. But I just went somewhere out to get something done for you guys. Lekin ha, hum wapas aa gaye break. So obviously, you guys can call us live or call nahi mil rahi. Leave us your message on my Facebook page, which is Bex Khan. Aur aaj jo hai, hum aap logo ko dikha rahe hain, Anza jo dikha rahi hai abhi. जो कि कंटूरिंग थी फॉर लाइक डबल चिन और सेकंड ऑफ ऑल हम आज लिपस्टिक का आई थिंक कोई नया शेड है समथिंग या हैव यू जस्ट स्टार्टेड ऑफ या ऑम्ब्रे लिप्स कर रहे हैं और इन पर्टिकुलर हमने अभी जो स्टार्ट किया है आपको जो मैंने सिखाया था कि एक डार्कर टोन आप ले लें जिससे आप एक आउटलाइन बनाएंगे पहले आउटलाइन इज आई थिंक कैन बी इंपॉर्टेंट इफ यू लाइक वांट टू मेक इट लुक अ बिट प्रोफेशनल Make it look a bit professional. Also, people जिनके इतने dark नहीं हैं lips already. For example, like यहाँ जो जिनके fuller lips नहीं हैं. Usually with age एक problem आता है कि आपके जो lips होते हैं, वो जो है dry out हो जाते हैं. फिर collagen level क्योंकि decrease होता है, तो you are unable to get that pouty effect. So you have to create an illusion. You know, if you talk about pout, I just remember something. There's like few people, mm-hmm. obviously, if they've got like itte bade lips nahi unke, so they just want to make it look a bit bigger. So they just make it. Yeah, exactly. That's what we are doing right now. Mm-hmm. Wo lip line aapne agar dekha hoga, hamari jo model thi, unke lips itne bade the hi nahi. Lips rest khuli thi. ठीक है तो उनके लिए व्हाट वी आर डूइंग इज एंड स्पेशली लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि लोअर लिप बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है और अपर लिप जो होता है जैसे हमारी मॉडल का है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं है थिन है अच्छा आपको पता है कि एक देयर इज अ न्यू रिसर्च दैट सेज कि द रीज़न ये जो एक्टर्स वगैरह अपने लिप्स को इन्हांस इतना करते हैं बिकॉज जो थिन लिप्स होते हैं यूजली वो एसोसिएट किए जाते हैं विद समवन दैट देयर इज़ विलनस अगर आप रिमेंबर करें कि जितने भी हम हिस्ट्री में कार्टून्स देखते थे या फिल्म्स देखते थे ज़्यादातर विलन्स के थिन लिप्स होते हैं Really? Yeah, I think you should Google it. ये लड़कियों का सबके लिए आप एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पढ़ने के लिए कि जितने ज़्यादा आप देखें जो पाउट होता है एक इनोसेंस के साथ भी एसोसिएट किया जाता है सो यू नो दैट विल बी प्रॉपर जो पाउट होता है पूरा डिफरेंट लुक कर देता है आपका हाँ प्रॉपर पाउट अब उसको आप ओवरडू करके आजकल बहुत हो रहा है हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा ये देखिए कि लड़कियों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा आपके आप प्रैक्टिस करेंगे उससे बेहतर होता चला जाएगा कि आपकी लिप लाइन जो है एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ हो प्लीज़ लिप्स खोलिए अच्छा एजेस आपने यहाँ से जॉइन नहीं करनी है ठीक है तो मैं ज़रा साइड थोड़ी सी चेंज करूँगी अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि करेक्शन ब्रशेज अवेलेबल होते हैं लिपस्टिक्स के लिए करेक्शन ब्रशेज होते हैं उनको आप ज़रा सा इट्स लिप करेक्टर ब्रश जितना ज़्यादा लड़कियाँ प्रोफेशनल अच्छा मेरा इतना है नहीं ना मेकअप में आई एम नॉट दैट इनटू इट तो मुझे इतने ज्यादा स्किन बैक्स आपको भी हमने ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स आई थिंक काफी ज्यादा आई थिंक व्हाट्स आर आई या पिक्ड अ लॉट सो आर यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन इट या ऑब्वियसली बट आई थिंक जब मैं अभी ऑब्वियसली व्हेन आई वाजंट इन द मीडिया मुझे इतना मेकअप का शौक होता था लेकिन अब जब से व्हेन आई लाइक इस तरह होता है बहुत ही ऑपोजिट हो गया है अब मुझे इतना शौक नहीं मेकअप का खुद करने पे बिफोर आई यूज्ड टू ट्राई एवरी अदर न्यू थिंग्स लेकिन अब नहीं You know, when you try new things, it's like you get to see ke aur kya kya experiment kar sakte hain. It's always good to try new things. Isliye aaj main jo ye lips ki in fact technique jo leke aayi hu, ye bhi ombre lips ki technique hai. Acha, isme aapne ladki ne yahi khayal rakhna hai ki jo aapke lips ka actual natural shape hota hai, wo disturb bhi na ho aur zara sa you can go higher just to make them look a little more enhanced. Not that higher though. Not that higher. जितना आपका actual shape है, lips please part करिए. अच्छा lips बंद करके अगर lipstick लगाएंगे तो आपको शायद इतना अच्छा effect ना हो. So do you like have to open your lips while halfway trying it? through just to make sure कि product जो है हर जगह चला जाए. वरना अक्सर आपने देखा होगा लोगों को एक बड़ी obvious एक line पड़ जाती है यहाँ पे जहाँ तक lipstick लगी हुई होती है. एंड स्पेशली फॉर द इफेक्ट जो आज हम क्रिएट कर रहे हैं ओम्ब्रे लिप्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने साइज जो है
वो डार्कर रखनी है. Mostly I've heard girls say, they go like, if you're applying dry lipstick, I don't know what that means, but if you're applying it, so before you apply it, you should go for like lip balm, I think. Yeah, most people have that issue. लड़कियाँ वैसे तो ये हैं कि younger girls अब इतनी educate हो गई कि they take care of their lips. True. ठीक है, लेकिन अगर drying effect तब आता है जब आप बहुत ज़्यादा matte lipsticks use करते हैं, okay? And then you use it on, and then उसके ऊपर जो आपके underneath जो lips होते हैं वो भी already chap होते हैं for various reasons, dehydration की वजह से, कोई और कोई आपको problem हो, कोई आप medicines ऐसे use कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इसलिए उनके lips ज़्यादा dry हो जाते हैं. You can use lip balm underneath. Vaseline, like I said, is the best. वो आप किसी भी brand में Vaseline आप use कर सकते हैं. अच्छा, ये जो lip line हम लगा रहे हैं, इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि आपके लिप्स ब्लीड आउट नहीं करेंगे. इफ़ यू सी कि एक बहुत प्रॉपर एक शेप आ रहा है हमारी मॉडल का अभी जो है लिप्स का, ठीक है, जब ये हमारा दिस इज़ लाइक द फर्स्ट स्टेज, सो दिस इज़ लाइक अ स्केच जिस तरह कह लें. मैं तो कहती हूँ मेकअप इज़ लाइक इट इज़ ड्राइंग एंड लाइक एन आर्ट, ट्राइंग योर थिंग्स एज़ वेल, इट इज़ एन आर्ट, ठीक है. तो हमने अभी इनके ओम्ब्रे लिप्स के लिए राइट नाउ ये इफेक्ट अभी क्रिएट किया है कि अच्छा सेंटर में आपने नहीं फिल करनी, जहाँ से ग्रेडियंट इफेक्ट आएगा, ठीक है. आप लिप्स ज़रा से पार्ट करिए प्लीज. व्हाट इफ यू डोंट यूज दिस लिप लाइन थिंग, यू इफ यू डोंट यूज इट देन यू वोंट गेट दैट ग्रेडियंट इफेक्ट. ऑलराइट, अगर लड़कियाँ अगर ये देख के अभी डर रही हैं कि ज़रा सा हमें डार्कर इफेक्ट आ रहा है, तो डोंट गेट वरीड, यू विल सी हाउ ब्लेंडिंग मेक्स एवरीथिंग राइट. इन द एंड यू गाइस आर गोना हैव अ लुक एट इट, बट गाइस वी आर गोना गो फॉर ए 4A शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग गर्ल्स रिपब्लिक. Hello guys, welcome back from the break. You guys are watching Girls Republic on ARY Musik. This is Bex here. Hope you guys are doing well. And today you guys can call us live. And if your call is not going through, just leave us a message on my Facebook page, which is Bex Khan. And today we're just showing you guys how to make your lips look a bit, you know, professional as well. लेकिन आज जो हम दूसरा technique I think use कर रहे हैं जो कि आजकल बहुत in है. What is that color? I think ombre. Yeah, ombre. अच्छा, yeah. अभी हम जो हमने outline draw कर ली है, अब इसको mute करने के लिए बीच में जो हम gradient पैदा करेंगे, आप ये देखिए कोई सा भी न्यूट्रल टोन जो है, अर्दी टोन, स्किन टोन मैंने यूज़ किया है इनके कलर्स, वो बीच में विद अ फिल ब्रश. नाउ दैट्स अनदर ब्रश, इज इट? या दैट्स अनदर ब्रश. सो यू गॉट टू हैव सो मेनी ब्रशेस इफ यू वांट टू मेक योर लुक. नो, जस्ट टू ब्रशेस. वेल, जो करेक्शन वाला, देखिए यही है कि आपके वो हर चीज में काम आ सकते हैं ना. Well, it's for the ones who are actually interested in makeup and the ones who really want to make it look. Maybe like 8% of the girls are interested. 80% of the girls are leaving me out. 80% खवातीन को बड़ा इंटरेस्ट है मेकअप में. बैक्स, आपने जिस दिन आपने मेरी तरह उर्दू बोलना शुरू कर दिया, आई थिंक देयर इज अ स्पेशल ट्रीट फॉर यू. मैं इंशाल्लाह बोलने लगेंगी क्योंकि काफी हद तक आई थिंक व्यूअर्स की वजह से बहुत अच्छा इफेक्ट आया. मुझे कोई और कह रहा था कि मेकअप तो हम सीख ही रहे हैं, साथ साथ बैक्स भी बहुत अच्छी तरह उर्दू बोलने लगी हैं. हाँ, टाइम के साथ साथ आप सीख ही जाते हो. ठीक है, तो हम ये जो आउटलाइन है हम इसको मर्ज करेंगे विद दिस लुक. ठीक है, जरा इसको सटल करेंगे. एजेस हम इसकी डार्कर ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, टू क्रिएट दैट ग्रेडियंट फील. लेकिन ब्लेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yep. Not to forget blending. आप वही लड़कियाँ जो ये आप रेड्स के साथ यूज कर सकते हैं, वाइन के साथ यूज कर सकते हैं. आपने देखा अभी इससे डर नहीं लग रहा है, वो जो डार्कर टोन था, जो कलर था. Yeah, when you look at the colors, you just go like, oh my god, इतना dark है. हाँ, I know, Bex तो वैसे ही डर रही थी देख के. You get scared of just putting it on. Now you're, I think, more confident about the look. Yep. अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज जो इंटरेस्टिंग फिल इन करूंगी कि ज़रा सा अगर आप चाहते हैं तो चबी स्टिक्स आजकल मार्केट में बहुत कॉमन है. ठीक है, तो चबी स्टिक आप कोई से भी ब्रांड की यूज कर सकते हैं. चबी स्टिक. ऑलराइट, इंटरेस्टिंग. या इंटरेस्टिंग नेम, बट गाइस वी हैव गॉट कॉल, सो या हेलो, कॉल्स बीन ड्रॉप्ड. नो प्रॉब्लम. आई थिंक इफ शी लुक्स एट दिस इफेक्ट, जो ओम्ब्रे के कलर्स होते हैं, आप बीच में इनके चबी स्टिक लगा के इट विल गिव यू अ मोर enhanced feel. अच्छा, चबी स्टिक का एक ये फंक्शन होता है कि इट गिव्स यू दैट इफेक्ट जो आपका ग्लॉसी भी ज़रा सा कर देगा उसको, और एक बड़ी अच्छी आपकी लुक आएगी इस पार्ट.
lips ko khole. So first you did that lip line and then and just blended it. Was you can directly blend it with the chubby stick. Oh. Yahan aap chahe to aap pehle nude ek tone lagayenge to aapki ye chubby stick use kar sakte hain ya koi gloss use kar sakte hain. I'm having it for the first time, this chubby stick. Is it like the new product that's come out? Yes, new products. Dekhiye hum yahan Girls Republic pe baith ke hamara you're gonna function go, you guys are gonna see ki kitne naye naye products aa rahe hain. Kitne naye naye products aa rahe hain aur ek aur cheez abhi ek surprise main aapko batati hu. Oh, I love surprises. She loves, I know Dex loves surprises. To uske liye ek aur achhi cheez jo main aapko bataungi abhi वो ये है कि आप कैसे ग्लिटरी इफेक्ट जो लड़कियों को बहुत पसंद होता है. ग्लिटरी फॉर व्हाट? हाँ, ग्लिटर, यू नो वो एक कहते हैं ना कि गर्ल्स एंड ग्लिटर गो टुगेदर. Yeah, girls and diamonds as well. Girls and diamonds, you know. Girls and diamonds. तो हाँ, वो डायमंड फील लाने के लिए अपने लिप्स पे व्हाट कैन यू डू. ठीक है, तो उसका मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ. जरा सा हम इनको वापस से जो सीलिंग इफेक्ट कहीं कहीं अगर आप चाहते हैं. सो डू यू मीन लाइक ग्लिटरी इफेक्ट एज इन लाइक यू गोना मेक योर लिप्स लुक अ बिट शिमरी एंड ग्लिटर? या शिमरी एंड ग्लिटर. अच्छा, दूसरी चीज़ है कि लड़कियां मेरे से पूछती हैं कि यू नो वो आफ्टर योर डन विद द लिपस्टिक आप आपस में लिप्स को हम मर्ज करें या ना करें. जस्ट टू मर्ज द लिपस्टिक यू कैन डू दैट. कुछ लड़कियाँ करती हैं विद देयर फिंगर्स, कुछ लड़कियाँ अपने लिप्स को आपस में मर्ज करती हैं एंड सम गो फॉर यू नो मोर ओल्ड स्कूल way of doing it. ठीक है, ये अब हमारा इफेक्ट क्रिएट हुआ. अब जस्ट विथ द हेल्प ऑफ वन ऑफ योर ब्रशेज जो आपने जिससे आपने लिपस्टिक ब्लेंड की है, ये स्पेशलाइज जूल्स होते हैं मेकअप के लिए. ठीक है, वी नीड सो मेनी ब्रशेज. या वी नीड सो मेनी ब्रशेज आई थिंक. मगर देखिए उसके लिए ज़रा सा आपने जूल्स अपने हाथ में लिए. व्हाट इज दैट थिंग? It is one of these professional job jewels use karte hain. It's like glitter but very micro fine granules of glitter. So what does it actually do? Does it make your lips look a bit different? Yeah, and a little more, you know, 3D effect, a bit more shimmery. See? जस्ट टू द सेंटर. अगर आप ये वाली लुक कैरी ऑफ भी करना चाह रहे हैं देन जस्ट ऑन द सेंटर, जस्ट ऑन द पाउट का जो एरिया है उस पर आप यूज़ कर सकते हैं. एंड अगर आपको इस तरह की कोई इमरजेंसी हो जाती है कि लिपस्टिक ज़रा सी स्प्रेड हो रही है तो डोंट वरी, आपने वही करेक्शन का या कोई सा भी ब्रश ले के जस्ट स्टेप इट इन द बेस दैट यू आर यूजिंग और उससे ये देखिए कवर इन कर लिया. इफ़ यू लुक इन द मिरर, और हमारी मॉडल को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा सा हमें पाउट करके दिखाएं तो अच्छा लगेगा. ठीक है, सो दिस इज़ अनदर लुक दैट वी ट्राइड फॉर टुडे. आई शो यू द फिनिश्ड लुक जो अब फिनिशिंग लुक इज अमेजिंग. द फिनिशिंग लुक इज अमेजिंग. और आप प्लीज हमारी मॉडल जो हैं, शी इज़ गॉट ब्यूटिफुल हेयर माशाल्लाह. And I think up now she's confident and ready to go anywhere. Yeah, it's for like this kind of makeup. It's for like you can say eat or parties or evenings, parties. Yeah. You know, this looks very nice. और अब आप देख रहे होंगे कि कहीं से भी वो darker जो एक आपको जो चीज़ दे रही थी Bex. When I looked at it, I was like, oh my god. मेरे दिल चाह रहा था कि मैं on air, off air में Bex को ज़रा डराऊं कि नहीं, Bex ऐसे ही लिप्स छोड़ने. Yeah, because I don't know when I look at it, right? जब मैं देखती हूँ shops में इस तरह की dark lipsticks पड़ी होती हैं, I'd be like, ये किसना लगाओगे? It's not dark, अजीब थोड़ा बहुत लगता है. हाँ बिल्कुल, इसीलिए Bex. लेकिन आप देखें ना, लड़कियाँ लगा के डार्क लिपस्टिक और ब्लैक आई शेडोज लगा के वो कैरी ऑन कर रही होती. आई थॉट के आईज ही डिफरेंट होती है, लेकिन आई थॉट के आईज लाइक मेन डिफिकल्ट होता है करना, लेकिन लिप्स भी डिफिकल्ट होता है. लिप्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आप देखिए तो उनके एक सॉफ्टर लुक इनकी ओवरऑल इमेज पे आई है. आप लोगों ने तो देखे, बहुत हैवी लुक नहीं है, बहुत हैवी लुक नहीं है. और जो लिप्स इनके, आप देखें पहली जो चीज हम बोलते हैं, यू एंड आई आर सिटिंग ऑन टीवी, हम बात कर रहे हैं तो पहली नजर जो जाती है आपके लिप्स पे जाती है. ठीक है, तो अगर वही इस तरह के लिप्स हैं, आप अगर स्माइल करके दिखाएं तो हमारी मॉडल इससे देखिए, देयर इज नो लिपस्टिक ऑन द टीथ और एक सटल लुक आ रही है और एक फुलर लिप्स की लुक आ रही है. यू नो, वो कहते हैं ना कि जो फुलर प्लम्पर लिप्स होते हैं वो एक यूथ की निशानी होती है. इज इट? या ओह, आई डिडंट नो दैट. अभी तो आप यंग है ना, Bex के साथ साथ आपको पता चलेंगे. बट यही है कि लड़कियों ने अपने लिप्स का काफी ख्याल रखना है. अगर वो डार्क कोई स्टे ऑन लिपस्टिक्स जो होती हैं इन पर्टिकुलर, वो अगर यूज़ कर रही हैं, यू नो एक होती है ना कि एक 24 आवर्स की लास्टिंग वाली लिपस्टिक होती है,
ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए बड़े एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि अगर आप वो लगा रहे हैं तो उसको रिमूव करें आप वाटर प्रूफ मेकअप से, यू नो, इवन लिप्स पे, क्योंकि लड़कियां क्या करती हैं, फेस की तो क्लेंजिंग कर लेती हैं लेकिन लिप्स की स्क्रबिंग और क्लेंजिंग नहीं करती. अगर आपको इन चीज़ों का शौक़ है और ब्यूटी और फैशन का शौक़ है, मैं आपको यहाँ जो भी चीज़ें सिखा रही हूँ आप उसको ट्राई ऑन करें, लेकिन प्लीज़ अपनी स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. Exactly, that's the main thing you have to look after. आई नो. और एक और मुझे जो ब्रेक में एक क्वेश्चन आया था वो ये था कि हम जब लिपस्टिक्स इस तरह की लगा रहे होते हैं और हम फिर जब कोई ड्रिंक पी रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं ग्लासेस पे, अक्सर यू नो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग कि पूरा निशान पड़ा हुआ होता है, तो उसको किस तरह अवॉइड करें? तो उसका ईजी तरीका ये है, दिस इज़ अ सीक्रेट जो आप भी याद कर लें और जो लड़कियाँ भी, वो ये है कि बिफोर सिपिंग ऑन टू द ग्लास आप अपने लिप्स को लाइटली अपनी टंग से लिक कर लें, जिस तरह हम लिप्स लिक करते हैं ना अक्सर जबान फेरते हैं, दैट विल सील इन जो आपके एक्सेस रिमेनेंस है वो ग्लास पे नहीं लगेगा. इट्स एक्चुअली अ गुड टिप फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर. बिल्कुल, इन पर्टिकुलर. और अगर कहीं आपको इमरजेंसी हो और आपको लगे कि बहुत डार्कर हो गई लिपस्टिक तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे? उसको किस तरह करेंगे आप बताएं. बेसिकली ये कि टिश्यूज अपने पास रख लें, डैम्प टिश्यूज वो आप करके एंड जस्ट पैक देम जेंटली सिर्फ सेंटर वाले एरिया से, क्योंकि हो जाएगा थोड़ा. हाँ, कोशिश करें क्योंकि लोगों को जिनके बहुत ज़्यादा ब्रॉडर लिप्स हैं ऑन दी एंड, जिस तरह हमारे मॉडल के यहाँ पे आते हैं महानूर के, तो उनका हमारे ऊपर वाले लिप बहुत थिन था, तो उनके लिए हम एजेस जो हैं डार्कर ही रखेंगे और जो उनको लिप्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि यू नो वो इक्वल लगे, ये नहीं कि नीचे वाला ज्यादा बड़ा है. तो वो हम करेंगे और कॉन्टोरिंग में भी आपने देखा होगा तो एक ओवरऑल एक स्लिमर लुक आई है इनके फेस पे, लेकिन पता नहीं चल रहा कि हमने कहाँ कहाँ कॉन्टोरिंग की, एक सटल इफेक्ट है. True. तो आज हमने जो है कॉन्टोरिंग दिखाया और लिप्स का हमने सारा पूरा मैजिक डिफरेंट, जो कि मुझे पता ही था कि इतना लिप्स पे हमें वो करना पड़ता है, यू नो यू हैव टू फोकस ऑन इट बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू गोना लुक ब्यूटीफुल यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल प्रॉपरली. लाइक अगर मेकअप आप सही कर रहे हो तो सही करना चाहिए, सही करना चाहिए. नेक्स्ट बार बार ब्रेक में और हर जगह कह रही थी अच्छा इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस, उसी में मैं था कि इतने सारे ब्रशेस. बट गाइस दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. But guys, that was it for today, and I'll see you later. Take care of yourself. Throw it all together, that's how we roll. Do the hoedown. Do the hoedown.